जी नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं भारती हूं। इस वक्त मैं बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी के गांव बुपनिया में मौजूद हूं और आम आदमी पार्टी ने है अब की बार पहली बार किसी पार्टी ने है वो बुपनिया गांव को है टिकट दिया है आम आदमी पार्टी से। तो मेरे साथ इस वक्त मास्टर जी हैं हैप्पी लोचब, जो कि लगातार है मेहनत कर रहे थे और डिपार्टमेंट था उनका, एजुकेशन दिया गया था पार्टी की तरफ से, उसकी देख रेख कर रहे थे और अब उनको मौका दिया है विधानसभा की सेवा करने के लिए। हैप्पी भाई, आज का जो गांव का माहौल था, जो पंचायत हुई पहले, तो उसके बारे में बताइए। जी, आज जो है गांव की पंचायत जो है वो इकट्ठा हुई थी और सब ने जो है हाथ उठाकर मेरे को समर्थन करा। बाकी क्या ना, अभी पूरे गांव में घूम नहीं पाया हूँ क्योंकि कल पूरा जो टाइम मेरा जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चला गया, क्योंकि टिकट जो है वो लेट डिक्लेयर की गई थी और आज लास्ट नॉमिनेशन देना। पहले तो हम जो अपना नॉमिनेशन कर लेते हैं पहले, क्योंकि 3 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो पूरे गाँव और हमने पूरा सहयोग करा है और हाथ उठा के समर्थन दिया और पूरा गाँव जो खुश है और जो पहली बार जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट बुपनिया गांव में आई है और पूरा गांव जो खुश है और पूरा गांव जो है समर्थन कर रहा है पूरा का, और वोट और नोट और हर चीज़ से सपोर्ट करने की बात जो है ना ये कही है कि आप चलो हम आगे खड़े हैं। जी देखिए, पहले टिकट है मास्टर जी को दी गई थी, कहीं ना कहीं किसी कारण से आपको मौका मिल गया, आपकी जो कमेटी थी गाँव गाँव में उसका कितना लाभ मिल पाएगा? सर देखिए, मैंने अभी बताया अभी ना, यहाँ जैसे गाँव में भी पंचायत हो रही थी, मैंने बताया कि हर गाँव से जो है ना वोट आएंगी, क्योंकि हमने 4 साल जो है ना संघर्ष कराया है, डोर टू डोर जो है हमारी टीम ने पूरा वर्क किया है और 21 सदस्यीय कमेटी हमने हर गांव में स्थापित कर रखी है। उसको लेकर भी अगर हम बात करें ना, हर गांव से मेरी वोट आ रही है और ये थोड़ा थोड़ा करके जो है ना जो है गढ़ा जो भर जाता है। और देखिए, बीजेपी ने टिकट दिया है ओम प्रकाश धनखड़ को, पहले मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, कुलदीप हैं, हालांकि उनसे मुकाबला है, और एक मास्टर जी हैं, अधिकतर समय अपने यहाँ बच्चों के साथ है दिया, गांव में कमेटियाँ बनाई, वहाँ रहे, किस तरह का मुकाबला मानते हैं, बड़े नेताओं के साथ मुकाबले में हैप्पी लोचब जाएंगे? सर देखिए, वो तो अभी आने वाला समय बताएगा और बिल्कुल जाएंगे सर, क्योंकि गांव राम जो है ना, जब गांव राम हो जाएगा करे ना तो जी पार हो जाएगा नहीं, तो गांव राम जो है ना वो साथ है और जो अपना जितना भी यूथ है जो अपने हमसे पढ़ा है, जो भी यूथ है वो भी अपने इस बात को लेकर जो है ना बड़ा खुश है, लगातार कॉल आ रहे हैं कि सर हम आपके बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि हमने पिछले 10 साल से एजुकेशन में बहुत अपना काम भी करा है, लगातार कर भी रहे हैं, तो उसका भी हमें फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात क्या, हमारी आम आदमी पार्टी जो है ना उसकी जो नीति है ना वो हर घर तक पहुँच चुकी है और जो मध्यम परिवार जो हैं जिनका गुजारा नहीं हो पा रहा है ना, जहाँ पे बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं ना, उन सब से छुटकारा पाने के लिए जो है ना एक ही विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। टीचर लाइन बहुत अच्छी होती है, उसको छोड़ के आप राजनीति की तरफ आ गए हैं, पहले से भी राजनीति में थे, तो किस तरह का उद्देश्य है बच्चों के लिए, क्योंकि शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, शिक्षा का सत्र आपने यहाँ देखा किस तरह का है? सर ऐसा है कि किताबों में लिखा कि कोई शिक्षक जो है वो राजनेता नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि जब है ना मैं खुद पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ सर, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोई शिक्षक जो है वो राजनेता नहीं बन सकता, वो एक अच्छा राजनेता बन सकता है, क्योंकि ना एक पढ़ा लिखा जो इंसान है ना वो हर गरीब तबके से लेके उच्च वर्ग तक जो है ना हर समस्या समझता है, समस्या को सुलझाने के लिए जो है ना हम इस मैदान में आए हैं और आने वाला जो समय होगा ना वो आम आदमी पार्टी का होगा। तो मुकाबला किसके साथ मानते हैं? सर मुकाबला जो है किसी के साथ नहीं है सर, मुकाबला जो है ना इस भ्रष्ट तंत्र के साथ है सर। पहली बार काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत खुशी की बात है, हैप्पी भाई की मेहनत को देखते हुए पार्टी ने पर विश्वास जताया है और हम हैप्पी भाई के साथ हैं और तन मन धन के साथ हम हैप्पी भाई के साथ में लड़ाई लड़ेंगे। जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं उनको हम लोगों तक बताएंगे और जो केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उन पर हम काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी और इन्हीं के दम पर हमें आने वाले समय में सरकार बनाने जा रहे हैं। जितने भी पार्टियाँ हैं हम सबको इनको पछाड़ रहे हैं। धन्यवाद जी। सर आज मौका मिला है, पार्टी ने दिया है, क्षेत्र में निकलेंगे, किस तरह की उम्मीद मानते हैं? गांव बड़ा है, एक गांव छोटा होता है वोटें कम होती, लेकिन एक बड़ा गांव है 7-8 हज़ार की वोटिंग है, तो किस तरह से मानते हैं गांव का सहयोग रहेगा? ऐसा जी, अभी पंचायत में बैठे थे हम, पूरे गांव ने तन मन धन से भाई को सपोर्ट किया है। आम आदमी पार्टी का, जैसे आप भाई से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपका जो मुकाबला किससे रहेगा, आम आदमी पार्टी का हमेशा जो मुकाबला रहा है धुरंधरों से रहा है और उनको हमने हराया है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर कितने सालों से कांग्रेस थी, शीला दीक्षित थी, अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी ही एरिया में रह के उनको इतनी वोटों से हराया था। तो जो ओम प्रकाश धनखड़ जी आप बता रहे थे, तो ये सब हमसे पीछे है, आम आदमी पार्टी जीतेगी और दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे सरकार बनाएगी। आम आदमी है जो इतकी काम है वो होंगे, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य, जितने भी गांवों में जो भी समस्या रहती है, हैप्पी भाई बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे, पार्टी ने विश्वास दिला जिताया और गांव गाम राम ने इनका समर्थन किया, तो हैप्पी भाई और गांव विधायक बनने जा रहा है। जी।
और भी साथी मौजूद हैं, इनसे तो किस तरह का चुनाव रहेगा आपके गांव का? देखिए सर, मैं गांव मुपनिया का आम आदमी पार्टी का सेक्रेटरी हूं। मेरा नाम जीवेंद्र है, जांगड़ा है। तो बड़े काफी दिनों से हमें आस लगाए बैठे थे कि मुपनिया गांव में टिकट आए और हमारे विरोधियों को हराए। तो ओबीसी समाज को कितना अपनी तरफ ले आएंगे आप? हम लगभग अपने समाज को पूरा उतारेंगे, हर गांव से अपने समाज को, जांगड़ा समाज को पूरा उतारेंगे। जी शुक्रिया। टिकट मिलते ही गांव में उत्साह है, वो आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में मेरे साथ काफी बुजुर्ग मौजूद हैं और पहली बार है टिकट आया है, तो मैं इनसे बातचीत करूंगा जो कैसा महसूस कर रहे हैं। ताऊ जी आज भाई 62-63 साल के हो गए हम भी, हमारे को पहला चांस मिल जाए गाँव में, हम तन मन दम से पूरा गांव बच्चे के साथ। जी हाँ जी। कितनी वोट है गांव की? गांव की 7,000 वोट है करीब। तो 7,000 की लीड के साथ चुनाव चलेगा? 7,000 की लीड से मेरे ख्याल में तीसरे ऐसे में, मतलब एक ऐसा भार 10 के है, तीन ऐसे भाई की हूँ। जी हाँ। वो तो हर गांव में होता है सर, मतलब 5,000 करीब वोट आ जाएंगे इसकी। जी। तो लीड तो है ही जबरदस्त। हाँ लीड तो है, गांव में पूरी लीड है। पहली बार बच्चों को मौका मिला गांव पे, ऐसा है जो भाग्यशाली जो पहली बार टिकट मिला है, मिलेगा पहली बार मिला। शुक्रिया जताएंगे अरविंद केजरीवाल का भी, आपकी बात सुनी गाँव। अरे शुक्रिया, केजरीवाल कई नंबर का मिनिस्टर है। आप क्या कहेंगे जी? नमस्कार भाई जी, सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से, जो भी विधानसभा बादली के दर्शक देख रहे हैं उनको भी मुबारकबाद। जो एपी भाई को आम आदमी पार्टी का टिकट मिला है, नेशनल पार्टी है, भुपनीय गांव की एक विधानसभा में पहली दफ़ा एक नेशनल पार्टी का टिकट एपी बेटा लेके आया है हमारा, और इसके साथ पूरा गांव तन मन धन से जी जान से पूरे क्षेत्र में पूरे विधानसभा में इसका पूरा वो करेंगे, और गाँव की तरफ से हर तरीके से इसको पूरी मान सम्मान और पूरा वो मिलेगा। कम से कम ये लगा लो जो परसेंट वोटिंग होगी उसकी 90% वोट एपी भाई को दिलाई जाएगी। देखिए हुड्डागढ़ का आ जाता है ये एरिया, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अक्सर ये बोलते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, न कि कुलदीप को या किसी और को, हमें देखिए, तो इस बात का क्या जवाब निकालेंगे आप? इसका जवाब ये है, देखो हुड्डा जी भी अच्छे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, प्रोग्रेस कराई, हम ये नहीं कहते कि भाई वो चीज़ है। दीपेंद्र भाई को इन लोगों ने बनाया है, अब पार्टी अलग अलग हो चुकी हैं, उस टाइम क्या था, हमारा भी सहयोग था दीपेंद्र को बनाने में, पर अब दीपेंद्र जी ने बनते ही अपने तेवर बदले कि भाई हम किसी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, और इसलिए हैप्पी भाई अपनी जी जान मेहनत से अपनी टिकट यहाँ विधानसभा बादली की लेके आए हैं, इससे बेहतर मौका और भुपनीय के लिए कुछ नहीं हो सकता। अरे हमारे गांव में आता है किसी टिकट नहीं मिले, पर रिकॉर्ड तोड़ा, हम तो बहुत खुश है। हाँ वोट मारी बैन बैन नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा गांव एक साथ, गांव का तो जी क्या बताऊं। हल्के में किस तरह प्रचार करेंगे, जाएंगे एपी के साथ? हाँ क्यों नहीं चलेंगे जी। हाँ धन से साथ गाँव जी अपनी तरफ से, अब क्या कहेंगे। मेरे साथ है आज गांव में एक उत्साह है, पहली बार टिकट है जो आई है, तो अभी आगे का जो भी कार्यक्रम होंगे बादली के हों या और विधानसभा क्षेत्र में जहां भी आम आदमी पार्टी कार्यक्रम करेगी वहां भी वो तस्वीरें आप तक मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जब तक जुड़े रहे मेरे साथ, देखते रहें।